सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लेशन राइट। और आज का वीडियो आपने टाइटल और थंबनेल देख के पता चला होगा किस बारे में। तो जी हाँ, मैंने लास्ट ईयर ना एक सोलेस का रेन प्रो वर्जन 2 ये जैकेट लिया था, कुछ 1600 का मुझे मिला था। तो जब भी मैंने लिया था जैकेट, तभी मुझे उसका थोड़ा परफॉर्मेंस स्टार्टिंग के फेस में अच्छा लगा। और उसके ऊपर मैंने एक स्टोरी भी डाली थी कि उसके अंदर क्या डिफेक्ट्स है और बदलाव आने चाहिए क्या और इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए। तो आज मैंने उसी के ऊपर एक थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बनाने का ट्राई किया है। आई होप ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। और ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोड होने की वजह से थोड़ी सी आपको आवाज़ आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो जी हाँ, मैंने लास्ट लिया था सोलेस का रेन प्रो V2, जो कि मुझे 1600 का मिला था। और उसमें ना जब मैंने स्टार्टिंग में उसको जब ट्राई किया, तो उसकी जो फ्लोरोसेंट येलो वाली जो लेयर होती है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो ये है वो जैकेट। इसकी हालत मैं आपको दिखाता हूँ बाद में क्या है, पर अभी इसके बारे में पहले बताता कि इसमें क्या क्या मैंने तभी फेस किया था। तो ये जो येलो, ये जो लेयर है, ये लेयर है ना कुछ इस तरह थी कि जैसे अगर आपको ज़्यादा बारिश गिरेगी तो ये लेयर में से पानी जाता था अंदर, और वो अपना आपका जो जैकेट है और आपके अंदर कोई बैग होगी तो वो इससे मतलब भीग जाती थी। तो इसका मुझे एक ड्रॉबैक लगा। उसके बाद आपको लाइक हैवी रेन में तो ये मुझे यूज़फुल नहीं था, पता नहीं इसका मटेरियल कैसे बना है, थोड़ा सा मुझे वर्थ नहीं लगा। आप अगर मतलब 1600 का कुछ ले रहे हो, एटलीस्ट कुछ अच्छा तो मिले। लाइक अभी झील का अगर आपने लिया तो झील का थोड़ा ये क्वालिटी नहीं मिलेगा, पर थोड़ा अलग क्वालिटी रहेगा, पर उसमें भीगोगे नहीं। पर वो है कि बाइकर्स के लिए अगर आपको ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन में जाना है, तो हमें ऐसे राइडिंग जैकेट्स के जो ब्रांड्स होते हैं हमें उनके साथ ही जाना पड़ता है। तो ये 1600 का है, और इसके पीछे आप देख सकते हो ये रिफ्लेक्टर भी है। और बाकी बात करें इसका, जो मुझे इशू मैंने फेस किया है वो ये है कि इसको मैंने ना एक साल तक ऐसे रखा था अपने यहाँ पे घर पे। तो लाइक बारिश के बाद हम इसको यूज़ क्यों करेंगे, तो मैंने उसको वॉश करके मतलब नॉर्मली हम जो राइड से आते उसके बाद नॉर्मली हम उसको जो नॉर्मल पानी में से निकाल के रखते हैं वैसे करके रखा था। बाद में एक साल के बाद मैं इसको चेक करा तो इसके ऊपर कुछ काले काले धब्बे लग रहे थे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये कुछ काले काले धब्बे हैं जो कि यहाँ पे भी है, और पूरा अंदर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे भी है। तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे हाईलाइट होगा या और यहाँ पे, और इसके अंदर बाजू भी। तो बेसिकली ये धब्बे इस वजह से है, ये देखिए यहाँ पे भी है। तो ये धब्बे इस वजह से क्योंकि ना यहाँ पे इसकी जो वाटर प्रूफिंग होती है जहाँ पे सिलाई होती है, तो वाटर प्रूफिंग के यहाँ पे ना ये टेप लगा जाती है, जिससे ना आपका जो सिलाई जहाँ से हो रही है तो वहाँ से ना पानी अंदर ना आए, इस वजह से ये एक टेप लगाई जाती है। और इस टेप में आप देख सकते हो अभी पूरा ना ये निकल गया है, और इसका जो ग्लू है वो ग्लू पूरे रेनकोट को चिपक गया है। इस वजह से ना ये पूरा ना ऐसा लाइक मेरा अगर मैं पकड़ रहा हूँ तो मेरे हाथ को ना ये लग रहा है, आप देख सकते हो ये पूरे हाथ को ना ऐसे लग रहा है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वहीं पर है, ये पूरे रेनकोट में आप देख सकते हो, ये देखिए। तो पूरे रेनकोट में कुछ इस तरह ये निकल चुका है, और ये अभी ना मतलब यूज़फुल नहीं है, ये हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो मैंने तो इसको फेंकने वाला था, पर मैंने सोचा कि चलो आप तक ये बात पहुंचा दो कि इसमें क्या इशू आ सकता है, अगर आपने ये लिया तो आप मतलब ये इसमें फंस सकते हो कि ये निकल जाएगा नेक्स्ट ईयर। ओनली 3 महीने तक अगर ये अच्छा चल रहा है तो क्या फ़ायदा, लाइक 2 साल तो एटलीस्ट चलना चाहिए। इसके पहले मैंने जो रेनकोट लिए थे वो एटलीस्ट चलते थे अच्छे खासे, और किसी का कभी ऐसे निकला नहीं है। तो ये एक मुझे ड्रॉबैक लगा। और इसका जो ये लाइक फ्लोरोसेंट ये जो कलर है, लाइक फ्लोरोसेंट येलो नियॉन ग्रीन टाइप एक कलर है, उस कलर में भी ये ना लाइक डस्ट अगर लगती है तो वो डस्ट ना निकलती नहीं जल्दी, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। तो ओवरऑल मुझे ये रेनकोट वर्थ नहीं लगा, तो अभी मैं इसको फेंकने वाला हूँ, क्योंकि रख के क्या फ़ायदा, और किसी को दे भी नहीं सकता। अगर किसी गरीब को अगर मैंने दे दिया तो भी उसको भी यूज़ नहीं हो सकता, ये आखिरकार मुझे फेंकना पड़ेगा। तो ये एक लॉस है, अगर आप इस पर इन्वेस्ट करने वाले हो तो ज़रूर एक प्लान कीजिए अच्छा खासा रेनकोट लेने का, इस पर मत जाइए। मैं तो बोलता हूँ कि अगर नया कोई अपग्रेड आया है और नया उसमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है तो ही आप लीजिए, नहीं तो फिर मैं तो बोलता हूँ ये वेस्ट है, आपका पैसा पूरा वेस्ट होने वाला है। सो इस वीडियो में यही था, यही मुझे आपको बताना था कि आप ये लेके आप पछताओगे तो मत लेना, मैंने जो गलती की है। और उस टाइम मैंने इसकी बहुत ही तारीफ की थी, वाहवाही की थी कि ये अच्छा लग रहा है जैकेट के अंदर, अच्छा लग रहा है, और बहुत कुछ मैंने इसके ऊपर बोला था। तो बेसिकली आपको यही बोलना था मुझे कि ये आप मत लीजिए, और ये वीडियो यही तक था।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने राइडर्स फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको पता चले कि ये रेनकोट क्यों नहीं लेना चाहिए। सो राइड सेफ। और मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपने आपको अगर बारिश में राइड करनी है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आपके लाइक चेन लूप, आपका चेन है उसको चेक करना, लाइक उसमें अगर डस्ट होता है तो वो भी आप एक बार वॉश करके भी निकल सकता है। और बारिश के वक्त है ना, आपको चेन लूप ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। उसके बाद टायर, आपके टायर को चेक करना, टायर की आपकी ग्रिप्स कैसी है, टायर ऐसा आपका क्रैक तो नहीं हुआ है या फिर टायर की ग्रिप तो नहीं गई है। अगर वो हुआ रहेगा तो आपका टायर स्केट होने की बहुत चांसेस है। लाइक अभी कुछ कुछ रोड पे ना, अगर आप कहीं राइड पे जाते हो या फिर आप कहीं पे और भी लाइक मुंबई या फिर कोई भी सिटी में राइड कर रहे हो, तो कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ से जो ट्रक जाते हैं उसके टायर में बड़ी बड़ी मिट्टी के ढेर रहते हैं, तो उस वो ना चिपक जाते हैं रोड के ऊपर, और बाद में बारिश के बाद है ना वो पूरे ना स्लिपरी हो जाते हैं। तो उस समय आपके टायर की कंडीशन अगर ठीक नहीं हो तो वो आपका टायर स्लिप हो सकता है वहाँ पे, तो ये एक प्रिकॉशन ले सकते हो। और बाकी अगर बात करें तो आपके हेलमेट के अंदर आपको ना एक स्प्रे आता है, वो स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हो, एंटी फॉग और एक क्लीनर होता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप आगे अगर उसको यूज़ करोगे तो आपके यहाँ पे ड्रॉप्स पानी के जो होती है वो रहेंगे नहीं, वो निकल जाएंगे। और वो स्प्रे को अगर आप अंदर लाइक स्प्रे करोगे एंटी फॉग वाला, तो उसमें आपको लाइक अंदर जो फॉग मॉइस्चर जमा होते हैं, हम जब बात करते हैं, हम जब उसको लाइक सांस लेते हैं बारिश के वक्त, तो पूरा हमारा वाइज़र नीचे होने की वजह से हमें हमारा जो मॉइस्चर है हमारे वाइज़र के ऊपर चिपक जाता है अंदर से, तो वो कम हो सकता है उन दो स्प्रेस के हेल्प से। अगर मुझे उसका लिंक्स मिला तो आपको ज़रूर बताऊँगा, या फिर आप गूगल पे कर लेना, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। और बेस्ट कौन सा है उसका तो आपको रिव्यू देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो यही तक था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।